हे फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लर्न विद जस्ट। तो आज हम इस Redmi Note 7 Pro का बैटरी चेंज करेंगे। तो इसका स्विच ऑफ का प्रॉब्लम हो रहा है, 3 ईयर हो गया इसका, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसका बैटरी चेंज किया जाए। तो अभी हम वोल्टा का बैटरी लेके आए, तो आप लोग नाम सुना है इसका। तो वोल्टा एक बैटरी अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, तो अभी वोल्टा का बैटरी इसमें इंस्टॉल करेंगे। ओके, ठीक है। और इसका जो इनबिल्ट बैटरी था, इंस्टॉलेशन जो कंपनी से आया था, वो इसको अभी से निकालेंगे। देख लीजिए एक बार वोल्टा का बैटरी, तो देख लीजिए। तो एक नया टेक्निकल सीरीज रिव्यू में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे लास्ट तक जो देखिए। तो मेरा दोस्त रंजन अभी ये कमरा कर रहा है प्रोसेस बैटरी का चेंज का, तो चलिए लेट्स गो विद रंजन। चल रंजन, कंटिन्यू कर। ये फोन का उम्र 3 ईयर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन रिसेंटली अभी बैटरी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हमने सुना कि ना इसका बैटरी को जल्दी चेंज किया जाए। तो इसका एक डिटेल रिव्यू भी आपके सामने ला जाए, है ना। तो चलिए, तो पहले इसका सिम इंजेक्टर टूल ओपन करना होगा। ठीक है, ठीक है। तो रंजन अभी यहाँ पे मशीन सेटअप कर रहा है। इस मशीन का नाम क्या है रंजन? सेपरेटर। ठीक है, तो इसके ऊपर Redmi Note 7 Pro को देना होगा, जिससे कि ये खुल जाएगा, है ना। हाँ, ये मीटर में कितना होना होगा? टेम्परेचर सेटअप करना पड़ेगा। कितना? 100 ठीक ठाक। 100, ओके ओके। और एक नया बैटरी इसके अंदर डालेंगे, तो ये प्रोसेस को हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर 23 हुआ है, 25 हो रहा है, तो ये 100 हो जाएगा। उसके बाद हम मोबाइल को यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद हम मोबाइल को यहाँ से उठा लेंगे, 28 हो गया, तो 100 वेट करते हैं। बैक पैनल को ओपन करेंगे, उसके बाद हम इसका बैक पैनल को ओपन करेंगे, उसके बाद नया बैटरी इसके अंदर असेंबल करेंगे। तो इसको ऐसे करने का एक ही मकसद है, इसका जो बैक पैनल है वो आठा से चिपका हुआ है। अच्छा। तो इस आठे को हिट करके कलाना होगा, फिर उसका बैक पैनल निकल आएगा। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो अभी इंतजार करते हैं 100 होने तक। देखिए गाइस, 91 हो चुका है, तो और सिर्फ 9 बाकी है। उसके बाद टेस्ट करेंगे या फिर मोबाइल को उठा लेंगे इसके एरिया से। ओके, 93 देख लीजिए। अब हम लोग आज लेके आया है इसका एक जो ओजी ग्लास होता है, उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको लेके आया है। इसके बैक पैनल के अंदर घुसा देंगे, फिर आराम से उठा लेंगे। ठीक है, ठीक है। देख लीजिए अभी इसके इसका प्रोसेस कैसा होता है, आप अच्छे से देखिए। एक नया टेक्निकल सीरीज का एक इम्पोर्टेंट वीडियो ये है, तो वहाँ पे इसको उठा लेंगे। एक हिस्सा को जमीन ढूंढेंगे। पहली बार खोला जा रहा है ये। चलो, ये अब हो रहा है। तो गाइस, अभी तो हो रहा है काम, अब होगा अच्छे से। ये सिर्फ फिंगरप्रिंट का पता है, है ना। ठीक है, इसको पूरा पूरा नहीं घुसना है, ठीक है, साइड साइड में ले जाना। ओके, 3 इयर्स बाद इसको पहली बार खोलना हो रहा है, क्योंकि इसका बैटरी का एज हो गया, इसीलिए। मानना पड़ेगा भाई, कंपनी ने क्या चीज बनाई है, ना सिस्टम का हटा के ऐसी सिस्टम भाई। अस्ते से कर, जस्ट बी केयरफुल। अस्ते से, ओके। और उसमें आटा आ गया है, देखिए आटा भी ना निकल रहा है, आटा यहाँ से बहुत ही अच्छे से। इंटरेस्टिंग, ये निकल चुका है आपका मोबाइल का पीछे का बैक पैनल। क्या कहते हैं इसको, बैक पैनल? तो इसका बैक पैनल निकल गया है, तो मैं स्क्रू ड्राइवर लेकर आया हूँ। ये कितना वाला स्क्रू ड्राइवर है, पहले बोल रहे थे प्लस 4 पिन ना 6 पिन क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, 4 प्लस स्क्रू ड्राइवर में प्लस है, माइनस होता है, प्लस होता है और 6 होता है, 6 पिन का। तो इसको आप खोल रहे हैं रंजन यहाँ पर बारीकी से,
देखिए अच्छे से तो फिंगरप्रिंट वाला सेंसर भी मैंने नहीं खुलेगा। ये क्या चीज था? सपोर्टर सब सपोर्टर ब्लैक पता ये देख लीजिए। अभी फोन नया वाला फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। ये जो सील है सील है सील ओपन हो रहा है देख लीजिए। चलो ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है। इसको सील ओपन हो गया। ये सील को उठाने के बाद इस फोन का वारंट पीरियड हट जाता है। वैसे भी इसका उम्र तो 3 साल हो गया, इसलिए किसी ने 1 साल के पहले फोन को ओपन किया है तो इससे पता चल जाता है, इससे पता चल जाता है कंपनी को और उस कस्टमर को वारंट नहीं मिलते। इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है, वारंटी पीरियड के पहले कभी भी ऐसे भी फोन को आपको खुलना नहीं है, है ना। सब कुछ कंपनी के हवाले आपको कर देना है। अगर 1 साल के अंदर अगर कोई दिक्कत होता है और 1 साल के बाद आप चाहे तो आप ऐसे रिपेयरिंग कर सकते हैं। चलिए राजन अभी इसकी जितने भी पत्ते हैं उसको खोल रहा है। अच्छे से टेक्निक से करना होगा नहीं तो ये टूट सकता है। बहुत ही केयरफुल से मिलेगा भी नहीं मार्केट में। पैसा तो भी नहीं मिलेगा। इतना जल्दी से नहीं मिलेगा, बाहर मिलता है। देख लीजिए एक बार कंप्लीट इसका जो नॉट है सब ओपन वाई के नहीं हुआ तो फिंगरप्रिंट को ओपन करना है। ठीक है ये अलग हो गया। देख लीजिए बैक पैनल कम्प्लीटली अलग हो गया। ठीक है बैक पैनल के साथ कितना सारा स्क्रू है यहाँ पर तभी बैटरी का पता है। ठीक है बैटरी उठाने के लिए दोनों पता को पहले अलग करना पड़ेगा। ठीक है एंड फिर से नीचे वाले पर्सन उसको नहीं होगा इसमें टेम्पर बहुत ज़्यादा है। एक सेल हम नया वाला बैटरी लगा के पहले टेस्ट कर लेते हैं। नया वाला बैटरी दे ये आपका वॉल्टा का बैटरी। ठीक है इसका प्राइस कितना है मार्केट में? भी 450। ओके ये नया वाला बैटरी अभी अवेलेबल होगा। टेस्ट करेंगे आराम से लगाना है। ठीक है जबरदस्ती के साथ बोले तो इसका लेग टूट जाएगा। अच्छा हो गया सेट तो टेस्ट करने की बात है। ठीक है तो देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। ज़्यादा टाइम लगता है क्या?
हर वक्त टाइम लगता है, हर वक्त तो टाइम लगता है, टाइम लगता है, 2 मिनट 1 मिनट लगता है, ठीक है तो थोड़ा टाइम लगेगा भैया। देखिए ओपन हो गया, तो देखिए फोन ओपन हो गया, देखिए मोबाइल ओपन हो गया, तो देख सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है नहीं, देख लीजिए गाइस। तो इस नया बैटरी में आईफोन काम कर रहा है कम्प्लीटली, तो अभी इस फोन को हम लोग सेटअप कर देंगे, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो गाइस अभी बैटरी सेटअप करने के बाद आप लोग मिलते हैं, एकदम परफेक्ट ब्रो। इसे देख लीजिए बैटरी अभी टेस्टिंग मोड पे है, एकदम एकदम ओके। चलो ओपन करते हैं इसको, इसको पहले और कुछ देख, मेनू वगैरह, मेनू वगैरह देख, अभी देख रहे हैं बैटरी टेस्ट कर लेना। अभी डंजन इसको अलग कर रहा है, उसके बाद फिर से ऐसे कर दे। सो गाइस देख लीजिए अभी इसका जो नया वाला बैटरी है उसका पत्ते को हम ओपन कर रहे हैं, आराम से ओपन करना है क्योंकि जबरदस्ती करोगे तो इसका पत्ते टूट भी जाते हैं, टूट जाएगा तो उसका बैटरी बहुत ही सेंसिबल होता है ये वाला पार्ट। देखिए ये हमारा ऑल पार्ट्स इज सेंसिटिव, देखिए ये हमारा नया वाला बैटरी वोल्टा का, ठीक है पुराना रेडमी का जो ओरिजिनल बैटरी है उसको अभी हमको निकल देना है क्योंकि वो वाला बैटरी एक्सपायर हो चुका है, 3 ईयर्स चला अच्छे से। तो रंजन अभी चम्मच की मदद से इसको उठा रहा है, एकदम देसी नुस्खे से रंजन ये काम करते हैं, ठीक है जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो, बड़ा बड़ा चीज़ रंजन के पास अभी अवेलेबल नहीं है तो इस मोमेंट देसी तरीके से ये मोबाइल के काम रंजन निपट रहा है। ओके एकदम एकदम बहुत ही सावधानी से कर भाई, इस बैटरी को ओपन करने के लिए जो सामान यूज करना है तो बहुत धार कम चीज, उसको क्या कहते हैं कम धार वाली चीज, एकदम बैटरी का भीतर चल जाएगा तो बैटरी में आग लग जाएगा, ठीक है ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, ठीक है ना। बैटरी में चार्ज कम है ना, पूरी तरह पता दीजिए ना आपकी बदली डिस्प्ले पता जो देखिए, अभी नई बैटरी को अलग कर रहे हैं इससे, पुराना वाला बैटरी का हालत एकदम खराब हो गया, आराम से ठीक है आराम से करना होगा अच्छे से, ओके चलो ये बाहर आ गया। ये है रेडमी का पहले वाला बैटरी नॉर्मल, देखिए रंजन अभी नया वाला बैटरी इसके अंदर असेंबल कर रहा है, देख लीजिए नया वाला बैटरी इंस्टॉल हो गया, अब इसका प्लग पहले ड्रिल लेंगे इसके बहुत ही बारीकी से अच्छे से केयरफुल, बहुत ही अच्छे से करना होगा, अभी रंजन बहुत ही केयरफुल से करता है ये सारी चीजें, तो देख जाएंगे। चलो ओपन हो रहा है, देखिए ये तो बहुत जल्दी ओपन हो रहा है, तो पहली बार होगा ना, दूसरे बार क्यों होगा, दूसरे बार कॉन्फ़िगर हो गया बैटरी इसमें, वो समझ गया कि आपसे इसकी इसी से कम चलना होगा इस, ना ना बैटरी में जो एक छोटा वाला आईसी रहता है फिर उसमें उसके साथ फोन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, चलो बस फोन रेडी हो गया, ठीक है बहुत से देख लीजिए कैसा है, प्रीमियम लग रहा है एकदम। सो गाइस अभी इसका फिंगरप्रिंट फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इसके बाकी का काम करना पड़ेगा, ठीक है देख लीजिए इसका बैक पैनल एकदम नया वाला है, ठीक है चक चक कर रहा है, हम लोग इसका बहुत कम लाइट में इसका वीडियो कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं एकदम देसी नुस्खे से हम ये काम कर रहे हैं, है ना कैसे आप लोग भी इसका कम खर्च में कर सको आसानी से एकदम, ठीक है एकदम आसानी से, ओके तो देख लीजिए अब इसका जो बाकी का सामान है उसका फोन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट का भी इसका ऐसे करना ऐसे था,
ठीक है। लॉक है, लॉक में लॉक डालना पड़ेगा, ठीक है। लॉक में डाल, लॉक डल गया। तो आप एक एक करके सारे नाटक को दोबारा इसके अंदर रीअसेंबल करना है। चलो तो अभी ये प्रोसेस चलता है। तो देखिए ऑलमोस्ट एक कॉम्प्लीट होने वाला है असेंबल, ठीक है। और ये बस सिर्फ दो ही ना थी, ये पर है बाकी। और यहाँ पे दो तरह का आटा है जो रंजन लाया है, देखिए ये दो, ये असेंबल करने के लिए, बैक करने के दोबारा वो आटा से जुड़ने के लिए ये दो रंजन लाया है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला काफी होगा, बहुत ही केयरफुल। शायद इधर कोई लॉक हो। लॉक है। हर स्क्रू इसके अंदर असेंबल हो गया है। तो अभी देख लीजिए, इस आटे का काम है। व्हाइट आटा देंगे, ठीक है। गार्डन लेके आएंगे, हाँ ठीक है। तो हमने एसी में उसके घर में जो गार्डन होता है वो भी ले आया है। पूर्ण वाला आटा थोड़ा उठा देते हैं, एक तो कोई काम का नहीं है अभी। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और भी टेक्निकल रिलेटेड सीरीज हमारे चैनल पे फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट होते रहेंगे, इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। इससे क्या होगा, जब भी हम ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो को अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो देखते रहिए, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है रंजन। इसके बाद इस आटे का पूरा वाला जो आटा है इसको निकल के नया वाला गाम इसके अंदर दे देगा, ठीक है। उसके बाद इसको असेंबल कर देगा। या फिर हमने थोड़ा कुछ गार्डर वगैरह भी ले लिया देसी तरीके का, ठीक है। तो इस गार्डर को इसके अंदर हम फिट कर देंगे आखिर में। आठे आठे को आप इस काम को आप ना उठा कर भी कर सकते हो, बट इसका फिनिशिंग एकदम कंपनी के जैसा नहीं है। हाँ रंजन एकदम परफेक्ट फिनिशिंग चाहता है। देखिए आप रंजन इसमें आटा देगा, ठीक है सर। इस ग्लू को क्या कहते हैं रंजन? देख लीजिए ग्लू का नाम देख लीजिए, ऑल इंडिया में एक ही आटा यूज होता है, ठीक है। ठीक है
साथ में, जिसलिए हमको और भी अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा ऐसे टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस, है ना ब्रो? ये भी ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको री असेंबल करना पड़ेगा, सब तरह हो गया। जस्ट बी केयरफुल, कुछ भी नहीं इसके ऊपर डाल दो, हो गया काम। इधर गाटा चिपका तो देख लेते हैं एक बार, हर तरह से देख लो। तो देखिए हो गया कंप्लीट। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको हमारे ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग दिस रेडमी नोट 7 बैटरी रिप्लेसमेंट, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप चाहे तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और ऐसी और भी बहुत सारी टेक्निकल रिलेटेड जो सीरीज है, इन सब की वीडियो अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने ऐसे लाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो इसीलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा फ्यूचर में और भी बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को वीडियोज को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रंजन कुछ कहना चाहते हैं? नहीं गाइस, सपोर्ट करो, हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अभी रंजन इसमें गाटा दे रहा है, तो ये गाटा कल सुबह उठा देना है ना। हाँ। अभी ओवरनाइट रहेगा, इससे फोन में जो ये आटा है काम है वो अच्छे से सेटल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देख रंजन तेरे साथ रह रहेगा, इन सारे जो छोटे मोटे चीजें इसके बारे में मुझे भी पता चल रहा है एकदम। तो चलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये एकदम देसी तरीके से हमने कर दिया घर में बैठ के, तो जिससे कि आपको भी ऐसी जो आपको पता है ना मार्केट में जो हाई फाई मशीन आता है इन सबको ठीक करने के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो उस चीज़ की जरूरत नहीं होगा। अगर आपके पास थोड़ा चैलेंज होगा तो आप भी रंजन की जैसे ऐसे कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। तो इसीलिए रंजन ने सोच बोला कि चल एकदम तेरे घर में आकर मैं कर देता हूँ। तो रंजन ये वाला जो मशीन है इसका हीटिंग वाला, ये अपने बैग से कैरी करके ले आया है यहाँ पर हमें मेरे हमारे घर में ये करने के लिए। ओके, तो ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।